कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में मार्च महीने से लॉकडाउन के चलते नगर परिषद हमीरपुर में दुकानों में व्यवसाय करने वालों के किराए को माफ करने की मांग पूर्व पार्षद एवं पूर्व महासचिव जिला कांग्रेस अजय शर्मा ने की है। अजय शर्मा ने नगर परिषद प्रशासन से लोगों को राहत देने के लिए उचित कदम उठाने की भी मांग की है। वहीं शर्मा ने नगर परिषद में सैनिटाइजेशन करने व स्ट्रीट लाइट को जल्द ठीक करने की मांग की है। अजय शर्मा ने कहा कि नगर परिषद हमीरपुर के विभिन्न वार्डों की स्ट्रीट लाइट की हालत बहुत ही खराब है। कई दिनों से स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है। जब भी स्ट्रीट लाइट के लिए विभाग में खराब हुई लाइटों को ठीक करने के लिए बोला जाता है तब कभी कंपनी के पास सामान न होने का हवाला दिया जाता तो कभी क्या कहकर बात को टाल दिया जाता था। उन्होंने कहा कि नगर परिषद कंपनी के अनुसार स्ट्रीट लाइट को ठीक करवाएं। अगर कंपनी ठीक करने के लिए असमर्थ है तो नगर परिषद का हाउस समीक्षा करे और दूसरी किसी एजेंसी से स्ट्रीट लाइट को ठीक करवाए। ये क्या है सर? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा स्ट्रीट लाइट का काम जब से किसी कंपनी के अधीन दिया गया है, कंपनी स्ट्रीट लाइट पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है, लाइटें बंद हैं। और अभी थोड़ी लेटेस्ट बात है, आज की डेट में स्ट्रीट लाइटें इतनी हालत खराब है, जब भी हम फोन करते हैं कार्यालय में तो उनका यही कहना होता था कि कंपनी के पास सामान नहीं है। लेकिन आज आपको मैं बताऊं कि इतनी बुरी हालत है, गलियों में इतने जीव जंतु निकल रहे हैं सब कुछ, और लाइटें बंद पड़ी हुई हैं। और जहां तक नगर परिषद की मैं और कई बातों के ऊपर बात करूंगा, आज कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है और उसके तहत हर तरह के व्यवस्था की जा रही है। आज आपकी सैनिटाइजेशन के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में सैनिटाइजेशन हो रहा है, लेकिन मैंने कहीं सैनिटाइजेशन हो नहीं रहा है, और जो कहाँ हो रहा है तो वो जो है सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पे कर रहे हैं। तो एक ये सबसे बड़ी बात है। सफाई की बात ले लें तो डोर टू डोर कलेक्शन सफाई की बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन उसके अलावा जो झाड़ू हमारा लगना चाहिए नियमित रूप से, आज हमारी गलियां और जो नालियां वो साफ होनी चाहिए, वो कहीं साफ नहीं हो रही हैं। मैं नगर परिषद से एक और मांग करना चाहता हूं कि कोरोना वायरस की वजह से विश्व में आज हर कोई अपने लोगों को रियायत दे रहा है, उसी के तहत आज नगर परिषद हमीरपुर की जो दुकानदार भाई, जहां नगर परिषद की दुकानें और दुकानें किराए पर दे रखी हैं, उन लोगों की हालत भी बहुत दयनीय है, उनका व्यापार चौपट हो चुका है। मैं चाहूंगा नगर परिषद जो है उनका, जब से कोरोना वायरस का ये चला है अभी भी कई लोगों की दुकानें नहीं खुली हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द बाजार खुले हैं, लेकिन जैसे नाई की दुकान नहीं खुली है, खाने पीने की दुकानें नहीं खुली हैं, और बहुत ज्यादा किराए पे उन्होंने दुकानें ले रखी हैं नगर परिषद से, उन लोगों का किराया माफ किया जाना चाहिए। और मैं उसके साथ ये चाहूंगा कि हमीरपुर के 11 वार्डों के नगर परिषद के जो बसिंदे हैं वो भी इस कोरोना वायरस की वजह से अछूते नहीं रहे हैं, तो उनका भी इस साल का जो हॉस टैक्स है उसे भी माफ किया जाना चाहिए। मैं पूर्व पार्षद होने के नाते मैं समझ सकता हूं कि हमीरपुर नगर परिषद में ये सारी व्यवस्था हो सकती है। और जहां तक बिजली की बात की है तो मैं चाहूंगा कि बिजली में जो हमारा माननीय हाउस है 14 लोगों का, 15 लोगों का, वो इकट्ठे बैठे, और अगर जो हमारी कंपनी ने ठेका ले रखा है अगर वो सक्षम नहीं है तो उसकी समीक्षा करें और किसी और एजेंसी को दें, और तुरंत प्रभाव से जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स को कंटिन्यू करें, अच्छा करें, ताकि हमारे शहरवासी जो है निसंकोच होकर अपने रास्तों पे चल सकें। किसी जीव जंतु का डर हो तो सामने दिख जाए, अगर स्ट्रीट लाइट बंद होगी तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो ये स्ट्रीट लाइटें बहुत जरूरी है कि जल्दी से जल्दी ठीक होनी चाहिए। अजय शर्मा ने आरोप लगाया कि कोविड-19 से बचाव के लिए सैनिटाइजेशन हर इलाके में किया जा रहा है, लेकिन हमीरपुर में कई इलाकों में तो सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है और कहीं पर खाना पूर्ति ही की जा रही है। उन्होंने नगर परिषद से आग्रह किया है कि सही ढंग से वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम किया जाए।